सर गुड इवनिंग। जे एल सब्जी स्किल को आज मैंने चॉइस किया था सेल साइट के लिए, तो मैं जस्ट शॉर्ट कि इसको कैसे सेलेक्ट किया होगा और ट्रेड करने के लिए इसको हमने क्यों ट्रेड किया और सेल की ट्रेड क्यों लिया और कैसे सेलेक्ट किया था, क्या क्या पैरामीटर थे, किस जगह से सेलेक्ट किया था, ट्रेड करने की कोशिश किया था वो मैं बताता हूँ। अभी सर ये लाइन को मैं हटा रहा हूँ, उसके बाद मैं रीड करके बताता हूँ। सर ये जैसे स्किल है मेरे पास में, सर एक्चुअली में कल मैंने 4 स्टॉक सेलेक्ट करके रखे थे, वो 4 स्टॉक से मेरे इनकॉपर जेएसडब्ल्यू सी नरदावस और सिप्ला, ये चारों में ही मेरा शॉर्ट का व्यू था, मुझे चारों ही शॉर्ट करने थे। इसमें हिंद कॉपर और जेएसडब्ल्यू दोनों मेटल सेक्टर के थे, तो मैं इनको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था। मुझे मिली इंट्री जेएसडब्ल्यू स्टील में, मैंने शॉर्ट में से तीन में से किसी में भी मुझे इंट्री मिलेगी मैं शॉर्ट करूंगा, पर वो पोजिक्शन मेरे अकॉर्डिंग बनने चाहिए, पर मुझे बने जेएसडब्ल्यू स्टील में, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया। मैं जेएसडब्ल्यू स्टील को बताता हूँ कि मैंने इसको बाई किया, इसको कैसे रीड किया होगा। चलिए ये सर जेएसडब्ल्यू स्टील का 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं इसको कुछ नहीं, बस ये मैंने सेलेक्ट किया था सर, ये एक्चुअली में आया था कि प्राइस इसके इनसाइड फंस चुका था और इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं हुआ था और ये अपने हाई पे था। मैं इसको ट्रैक कर रहा था इस दिन से जब ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। सर इसको ये एक स्विंग हाई है, जिस हाई के पास में अगर हम इसको रीड करने की कोशिश करेंगे सर, इसने ये वाले एक स्विंग हाई को अप साइड में ब्रेक कराने की कोशिश की थी और जिस वैल्यूम ब्रेकआउट कराया था, इस स्विंग के वैल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं। इसका ये मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी स्विंग यानी कहीं पे अगर टॉप में वैल्यूम्स के ब्रेकआउट होते हैं, मतलब वो टॉप बन जाता है, हमें उसको यहाँ से बाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो फिर सपोर्ट पे नहीं आएगा। इससे ऐसा देखने की अकॉर्डिंग मैंने जब इसको यहाँ पे देखा कि चूंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, अभी सर अगर ये एक रेजिस्टेंस एरिया है तो जिस दिन इसने इसको ब्रेकआउट किया था, ये विद वैल्यूम ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब कि जेएसडब्ल्यू स्टील अपनी स्ट्रांगनेस को दिखा रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। ठीक है सर, अगर इसमें हाईएस्ट वैल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है तो ये इस वाली कैंडल की रेंज को अपसाइड में ब्रेकआउट करके जा रहा है। ये जो कैंडल बनी है ये एक स्विंग को ब्रेकआउट करने के बाद बनी है, यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट हुआ था, प्राइस यहाँ से नीचे आया था, अगेन एक इसने स्विंग बनाया था और बिना इसके लो को ब्रेक किए इसने इसके हाई को ब्रेक किया था। इसका मतलब ये था कि इस स्विंग पे इसको सपोर्ट मिलेगा, ये एक स्विंग एरिया है जो कि इसके लिए एक सपोर्ट की तरीके काम कर सकता है। अभी सर इसको देखने के बाद में मैंने ये देखा कि इस स्विंग को ब्रेकआउट कराने वाली ये कैंडल थी और इसको ब्रेकआउट कराई इस कैंडल ने, विद वैल्यूम ब्रेकआउट कराया और इस कैंडल में इतनी स्ट्रेंथ थी कि इस कैंडल ने इस स्विंग को भी अपसाइड में ब्रेकआउट कराया है। अगर इसमें इतना स्ट्रेंथ था तो इसको अब क्या करना चाहिए, मतलब इसके हाई पे तो रेजिस्टेंस होना चाहिए। जिस दिन ये ग्रीन कैंडल बनी अगले दिन तो हम बाई नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर वैल्यूम का ब्रेकआउट आया है, मतलब अगर इसमें स्ट्रेंथ होगा तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर ही ओपनिंग दिखाएगा और यहीं पे कहीं इसी की इसी इसी एक जोन पे ये क्या करेगा अपना सपोर्ट बनाएगा और ऊपर चला जाएगा। चूंकि ये ब्रेकआउट ट्रेड है, ये अंदर नीचे से बाइंग नहीं हो सकती, मतलब ये किसी लो को नहीं तोड़ सकता है उस दिन के। अभी सर इस वाली कैंडल है, ये कैंडल हमारे लिए एक रेफरेंस कैंडल बन जाती है और इस कैंडल के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि अगले दिन क्या हुआ, इसमें रिजेक्शन मिला। ठीक है, रिजेक्शन मिला है तो रिएक्शन आना पॉसिबिलिटीज नहीं, क्योंकि ये इस एक एरिया पे इसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए और अगर इस एक एरिया पे सपोर्ट मिले तो नेक्स्ट डे इसने लो वैल्यूम के साथ में इनसाइड कैंडल बनाई। अब अगर सर इसको बाइंग करनी है तो अगले दिन इसको इस कैंडल के ऊपर निकल जाना चाहिए, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करा देना चाहिए, लेकिन प्राइस ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ना ब्रेकआउट करा के इन दोनों कैंडल्स के लो को ब्रेकआउट करा दिया, जिसमें इन 2 दिन से इस कैंडल के हाई, मतलब ये जो कैंडल है सर हमारी, इस कैंडल के हाई पे एक सपोर्ट जनरेशन था, इस सपोर्ट को 2 दिन तक मार्केट ने होल्ड किया था, अगले दिन इसको इस सपोर्ट से या इसके किसी भी एरिया से इसको अपसाइड निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक ये हायर हाई फॉर्मेशन पे है, ये किसी भी सपोर्ट से बाई होना चाहिए क्योंकि बैक इनसाइड बाई होगा, हम इसको बाई कर, लेकिन इसने क्या किया, इस दिन इसने इसके सपोर्ट को नीचे क्लोज कर दिया है,
वॉल्यूम नहीं था इसमें, लेकिन इसमें एक चीज है वो मैं दिखाता हूँ सर अभी। इसने क्या किया, इसके नीचे क्लोज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अभी शायद इसका ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये स्ट्रांग है अभी के लिए। अभी अगर इसको पलटना होगा तो इसको किसी मेजर सपोर्ट के पास आना पड़ेगा, और ये यहाँ से पलट सकता है। तो इसका मेजर सपोर्ट तो यही है, क्योंकि इस कैंडल ने स्विंग ये बनाया है, ये स्विंग लो पे इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू सर। अभी हम इसको देखते हैं सर, अभी के लिए हमारे लिए ये कैंडल और ये कैंडल इंपॉर्टेंस बन जाती है। कल के दिन मैंने क्या देखा कि अगर ये कैंडल तो इम्पोर्टेंट थी, तो क्योंकि मैं इसको ट्रैक कर रहा था, इस दिन क्या हुआ, प्राइस में वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, बट प्राइस कहीं नहीं निकल पाया। ना तो प्राइस इसके लो के नीचे जा पाया, ना इसके हाई के ऊपर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसके लो पे इसको सपोर्ट मिल रहा है और हाई पे रेजिस्टेंस है। क्योंकि अगर वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ था तो इसको प्राइस के ऊपर निकलना चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें सेलिंग की जा रही होगी, तभी ये नहीं निकल पाया। और अगर इसको निकलना होगा, ये इसी लो से ये बाई होकर सीधे ब्रेकआउट करेगा। अब ब्रेकआउट करेगा, इसके ऊपर निकल जाएगा, तो ये बाई हो जाएगा, हमारे किसी मतलब का नहीं। क्योंकि मुझे करना शॉर्ट है, मैंने ये रीडिंग से कंफर्म किया कि इस जगह पे इसको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी सर इसको मैं अगर देखूं तो इसने किया क्या है, यहाँ से इसने एक लोअर लो का फॉर्मेशन कर दिया है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये अपने लोज को नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, हाइस को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस दिन इसमें वैल्यूम का ब्रेकआउट आया, लेकिन हाइस ब्रेकआउट नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये पूरा जोन इसका रेजिस्टेंस है। अभी ये कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया है, इसका ये मतलब है कि अभी के लिए इस कैंडल का हाई एक रेजिस्टेंस बन जाता है। इसके बाद मल्टीपल रेजिस्टेंस है, अगर इसको ऊपर जाना होगा ये मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, और ये ब्रेकआउट करता ये बहुत अच्छा बाई होता। सर मुझे करना था शॉर्ट, मुझे ये व्यू मिला यहाँ से शॉर्ट का। अब हम इसको देखते हैं, अभी यहाँ से ये बुलिश है सर, इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन स्ट्रक्चर बुलिश है मतलब हम इसको बाई हाई से नहीं कर सकते, किसी सपोर्ट से ही बाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये हाई होता तो हमें शॉर्ट का ही व्यू रखा रेजिस्टेंस के साथ। वैल्यूम्स को थोड़ा रीड करेंगे सर हम यहाँ से, जे एस डब्ल्यू स्टेलर वैल्यूम्स को सर हम अगर रीड करने की कोशिश करेंगे, हमने मंथ सर हमारे लिए 30th की कैंडल एक इम्पोर्टेंट कैंडल थी। क्यों थी, क्योंकि इसी कैंडल ने हमारे ये 2 दिन के सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया था। अगर हमारे लिए ये जो कैंडल थी 26th की कैंडल, जिसने अपसाइड में ब्रेकआउट कराने की कोशिश की थी, इसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट नहीं थे और प्राइस तो नीचे की तरफ क्लोज किया था। कैंडल में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट आए, हम यहाँ से इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आपने पढ़ाया, लास्ट प्राइस ब्रेकआउट हुआ है, सेलिंग ज्यादा हुई है, प्राइस तो ऊपर है, मतलब ये तो डाइवर्जन बना रहा है। डाइवर्जन बना रहा है, इसका मतलब यही है, मैं अभी तक ये समझा कि अगर ये डाइवर्जन है तो इसको क्या करना चाहिए। अगर ये सच में यहाँ पे किसी ने बाइंग किया होगा तो इसको इसका हाई ब्रेकआउट ही कराना पड़ेगा, सपोर्ट ब्रेक नहीं होने चाहिए। पर इसने तो सपोर्ट ब्रेक किया है, उसने वैल्यूम कम हुई, सेलिंग कम हुई, प्राइस नीचे आया। ठीक है, वॉल्यूम और कम हुई, मतलब थोड़ा प्राइस कूल हो रहा है, प्राइस ये ऊपर चला गया, सेलिंग कम हो गई, प्राइस ऊपर चला गया, ये परफेक्ट है। 29 की कैंडल ठीक बनी, कोई इशू नहीं है। अभी सर हम आगे देखते हैं 30th की कैंडल, दिस इज द इम्पोर्टेंट कैंडल, क्योंकि इसने हमारे 2 दिन के सपोर्ट को ब्रेक किया है। मतलब क्या हो रहा है, इस दिन वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं, सॉरी डिलीवरीज के ब्रेकआउट हुए हैं, और प्राइस नीचे आया है। ज्यादा सेलिंग हुई है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन प्राइस तो नीचे आया है। इसका मतलब है कि ये तो डाइवर्जन बन गया यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा सेलिंग हुआ है तो प्राइस नीचे आया है, ये सही है, ये सही है यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइस ज्यादा सेलिंग ज्यादा हुई है तो प्राइस भी नीचे आया है। ठीक है, अभी सर अगले दिन क्या हुआ, इसमें डिलीवरी से कोई ब्रेकआउट नहीं है, प्राइस ऊपर चला गया। इस दिन इसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए थे, मतलब इंट्राडे का मूव है वो। मतलब हमारे लिए अभी भी ये कैंडल इम्पोर्टेंट है, अभी भी हम इसकी इम्पोर्टेंस को देख रहे हैं। जो 30th की कैंडल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल। क्यों, अगर इसको ऊपर जाना होगा
इसके हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकती है। जब तक नहीं जा सकती तब तक के लिए इसका हाई एक रेजिस्टेंस है। हमें इन वैल्यू से भी ये पता चल रहा है कि हमारे लिए 30 की कैंडल इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये कूल हो गया है। अगर ये कूल हो गया है तो अगला मूव हमें क्या मिलना चाहिए? अगर सेलिंग ज़्यादा हुई है और प्राइस नीचे आया है तो उसको कंटिन्यूएशन करना चाहिए। अब सर हम इसको डिलीट करते हैं और हम अपने चार्ट की तरफ चलते हैं। सर ये अब आज की ओपनिंग होती है सर, ये सारी लाइनें हैं, इसमें 5 मिनट के टाइम चल जाता हूँ। ये हमारा व्यू था सर यहाँ से शॉर्ट करने का, मुझे करना शॉर्ट ही था, मैं बाई कर नहीं सकता था इसको। लोअर टाइम फ्रेम से हमने थोड़ा सा इसको ये ऑब्जर्व करने की कोशिश किया था कल के ट्रेडिंग सेशन से कि प्राइस यहाँ से क्या करना चाह रहा है। इस स्ट्रक्चर में प्राइस यहाँ से लो ब्रेक कर रहा है, हाई पे जा रहा है, एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है, इसको यहाँ से रिजेक्शन ले जाते हैं और ये नीचे की तरफ आ जाता है। इसने फिर से स्विंग लो ब्रेक कर दिया, मतलब प्राइस स्ट्रक्चर वाइज भी अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अपने लोस को ब्रेक कर रहा है, हाईस को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे भी हमें यही चीज दिख रही थी। तो जब भी ये हाई के पास में जा रहा है इसमें वैल्यूज के ब्रेकआउट हो रहे हैं, जब भी हाई के पास में जा रहा है इसमें वैल्यूज के ब्रेकआउट आ रहे हैं। ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से एक सेल की एंट्री को देख सकते हैं जो कि हमने छोटे टाइम फ्रेम पे भी बड़े टाइम फ्रेम पे ये लाइन को मार्क किया है। अभी सर ये प्राइस यहाँ से गैप अप ओपनिंग दिखाता है, इस जगह से इस स्विंग को अपसाइड में ब्रेकआउट कर देता है, मतलब ये एक ब्रेकआउट से है जो दिखा रहा है कि ये ब्रेकआउट बाई होना चाहता है। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट बाई होना चाहता है ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन जैसे ही ये रेजिस्टेंस के पास में पहुंच रहा है इसमें वैल्यूज के ब्रेकआउट आ रहे हैं कंटिन्यू। ये कैंडल बनती है जिसमें हाईएस्ट वैल्यू आता है, मतलब इससे प्रीवियस कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिखा दिए। अब अगर ये ब्रेकआउट दिखा दिया है तो इस कैंडल का लो तो हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाता है जब तक कि ये रनिंग मार्केट है। अभी सर ये जैसे ही हमारी लाइन को टच करती है ये टच की हुई कैंडल में इन सारे वैल्यूम से ज्यादा, इधर के प्रीवियस कुछ बंच वैल्यूम्स हैं इन वैल्यूम से ज्यादा इसमें ब्रेकआउट आ जाता है। इसका मतलब यही है कि ये एरिया तो रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस है और अगली कैंडल में इसने क्या किया, इसने इसका लोअर लो कर दिया, मतलब कंफर्म कर दिया है कि ये रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस है हमारा तो अभी हम ये देख पा रहे हैं कि ये इस कैंडल का हाई पे रेजिस्टेंस बन रहा है, इस कैंडल को टच करने है ना, ये हाई पे रेजिस्टेंस है। अगर ये हाई पे लोअर लो किया है तो अभी क्या होना चाहिए, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट बाई हो रहा है इसको यहीं से ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाना चाहिए, हमारे सारे रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट कर देता, और अगर ये कर देता तो हम इसको बाई कर लेते हैं। लेकिन सर इसने क्या किया, इसने यहाँ पे स्विंग्स का फॉर्मेशन किया है, ये सर एक स्विंग्स बनाया है। इस स्विंग का मतलब है कि यहाँ पे इसने एक सपोर्ट का जनरेशन करने की कोशिश की है, प्राइस यहाँ पे गया और अगेन अगली कैंडल से नीचे नीचे, क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ 5 मिनट में जो हम देख रहे हैं इसको, तो इसमें कहीं पे वॉल्यूम के ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए इस कैंडल के लो के नीचे। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा वी कैन नॉट शॉर्ट, क्योंकि ये तो सपोर्ट है अभी तक के लिए उसके लिए, ये यहाँ कुछ भी करे। अभी सर जब ये कैंडल बन रही थी, ये कैंडल बन गई, तब मैंने इसको 3 मिनट में जाके और खाली क्रॉस चेक किया कि 3 मिनट पे ये क्या करना चाह रहा है। जब मैंने 3 मिनट पे जाकर के इसको क्रॉस चेक किया तो मैंने देखा कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये हाईएस्ट वैल्यू की कैंडल है, ग्रीन हाईएस्ट वैल्यू की कैंडल, इसका मतलब इसका लो सपोर्ट होना चाहिए, तो ब्रेक ही नहीं होना चाहिए, ये ब्रेक हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, गलती से ब्रेक हुआ होगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसके बाद में इसने स्विंग्स बनाया, इसने अपसाइड में गया, एक रेजिस्टेंस बना के इसको ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे सर ये ग्रीन कैंडल में वैल्यूम्स के ब्रेकआउट आ रहा है, इसका मतलब ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो ये यहीं से बाई होना चाहिए, ये लो टेस्ट भी नहीं होना चाहिए। इस कैंडल ने क्या किया सर, इस कैंडल ने, एक ही कैंडल ने हमारी इस स्विंग को और इस वाली 3 मिनट की ये जो कैंडल थी जहां से इसने ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश की थी, ये सबको एक साथ ही ब्रेक कर दिया। अब ये चूंकि कैंडल रनिंग थी सर, इसलिए मैं अपने 5 मिनट में आके मैं मुझे पता चल गया कि अभी यहाँ से शॉर्ट हो जाना चाहिए। सर जब मैंने देखा तो अभी तक तो मेरे लिए ये सपोर्ट एरिया था, क्योंकि ये स्विंग को ब्रेक करके गया था, ये सपोर्ट के पास में आके रुका, अगली बार इसने यहाँ से सीधे लोअर लो कर दिया। फिर मैंने एक चीज देखी कि ये जो एक हाईएस्ट वैल्यूम है, जिस वैल्यूम इसने तोड़ने की कोशिश किया है यहाँ पे, क्योंकि चूंकि ये सपोर्ट है तो इसने सपोर्ट के तरीके रिएक्ट किया, अगली कैंडल इसने सीधे लोअर लो कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल के हाई का रेजिस्टेंस कंफर्म हो चुका है, अभी
ये इस स्विंग के पास से कहीं से भी शॉर्ट हो सकता है, ये स्विंग के पास से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब सर ये जो ग्रीन कैंडल बन रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि ये स्विंग तक जाएगा, क्योंकि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हम इसको जाके इस एरिया को देख रहे थे, तो हम 3 मिनट से ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये प्राइस इस सेकेंड से रिजेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। बार बार यहाँ पे वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट्स आ रहे हैं रेड कैंडल में और लोज ब्रेक करा जा रहा है। इसका मतलब है कि बड़ा मुश्किल है इसको इस स्विंग से हमें ऑर्डर ले पाना। इसलिए सर मैंने इसके जो ऑर्डर हैं वो अपने 9897.75, ये इस कैंडल के हाई 8 9 7.75 9 7, इस जगह पे मैंने अपने ऑर्डर्स को डाल दिया। और ये वाला, ये हाई अब नहीं जाना चाहिए, मैंने ये स्टॉप लॉस लगा दिया, क्योंकि ये हाई जो बना है इसमें इसके हाई के ऊपर तो जाने का कोई चांस नहीं। अगर जाएगा तब चला जाएगा, लेकिन अब जा नहीं सकता ये सर। ये जब एंट्री कर रहा था मैं सर 10:15 पे, एक्चुअली में सर इसमें मैंने अपना सिलेक्शन के टाइम पे मैंने 3G को शायद एनालाइज नहीं किया था, पर मैं लाइव मार्केट में 3G के साथ जरूर देखता हूँ। क्योंकि अगर हम मेरा मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया कि अगर हमने एक बार गलती से अगर हम स्टॉक सिलेक्शन के टाइम पे 3G नहीं यूज करें, हम भूल गए या हम नहीं समझ पाए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा हाइपो गलत हो जाएगा, हमको ट्रेड नहीं मिलेगा, वो ठीक है। लेकिन लाइव मार्केट में अगर हम इसको एनालाइज नहीं करेंगे तो इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा, हम तो लॉस में चले जाएंगे। अभी सर इसको मैं देख रहा था, जब इसने क्या किया सर, ये मैंने लाइव उसी समय लाइव मार्केट में डाली थी सर, अभी मैं इसको वन डे में करके बताता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम पे सर निफ्टी क्या कर रहा, निफ्टी भी सर एक रेजिस्टेंस पे ही था, ये इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ये हाईएस्ट वैल्यूम था। अगर ये इसको यहाँ से रिजेक्शन मिला है इस कैंडल के हाई से, इसको यहीं से अपसाइड में जाना चाहिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके मैंने ये दो लाइनें डालने के बाद में इसको मैंने ये देखा कि इसने गैप अप ओपनिंग दिखाई है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग दिखाई है, इसका मतलब क्या है, ये इस एक एरिया से इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर ये गैप अप है तो इसको किसी भी कंडीशन में ये ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये लो पे ये सिचुएशन बनाई होती तो हम ये मानते कि ये गैप फिल करने के बाद में यहाँ से पलट सकता है। लेकिन सर ये जब ये 10:15 में जब मैं उसमें एंट्री ले रहा था, तब ये क्या कर रहा था, ये अपने जिस स्विंग को अपसाइड में ब्रेकआउट करके कोशिश किया था उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे इसने एक स्विंग बनाने के बाद में स्विंग को ब्रेकआउट कर दिया था। इसका मतलब ये था कि निफ्टी अभी ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे है। अब रेजिस्टेंस पे है और ये भी अगर अपने सपोर्ट को, किसी स्विंग को, क्योंकि इसने ब्रेकआउट खोला है तो ये इसके लिए सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इसने इसको रेजिस्टेंस बनाया था, ब्रेकआउट ओपनिंग खोली, तो अगर इसको ओपन तो इसको सस्टेन करना चाहिए और यहीं से यह ब्रेकआउट बाई हो जाता ऊपर। लेकिन इसने क्या किया, इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया था। इतना ही कंफर्मेशन मेरे लिए बहुत था निफ्टी में। सेम अगर मैंने इसको इसके मेटल को देखने की आप कोशिश करेंगे सर हम, तो मेटल में कोई इतना खास समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि निफ्टी लोअर लो किया था तो मुझे लगा कि इसको करना थोड़ा मुश्किल है। सेम कहानी इसमें थी, ये क्या कर रहा था, अगर ये भी एक्चुअली में स्विंग को ब्रेकआउट करके ऊपर जाता, इसको किसी भी अपने स्विंग्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए किसी कंडीशन में। ये जिस सपोर्ट को बनाता है, जैसे कल हमने जो ट्रेड किया था सर, ये इस पैटर्न पे ये ब्रेकआउट हुआ था, तो ये किसी भी कैंडल में इसका लो नहीं ब्रेक करेगा, इसको यहीं से ब्रेकआउट बाई, मतलब ये बाई हो सकता है जो हमने एशियन पेंट को बाई किया था, ये प्राइजेक्शन वही होने चाहिए थे। लेकिन ये तो नीचे की तरफ ब्रेक करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था, इसको रिजेक्शन ले रहा था। मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा था, अगर हम इसको 3 मिनट से देखेंगे तो हमें और अच्छे से ये कन्फर्म करेगा। यस सर, 3 मिनट से, 3 मिनट से सर ये बिल्कुल अच्छे से कंफर्म कर रहा था कि इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल रहे हैं, मतलब अगर इसको निकलना होगा तो फिर अब ये निकल जाता, लेकिन ये निकल नहीं पा रहा था, ये नीचे की तरफ ही गिर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेटल को भी आज के दिन शॉर्ट होना है, अगर नहीं भी शॉर्ट होना है तो, क्योंकि ये लो से लो तक तो आएगा ही, अब ये हाई से रिजेक्ट हो रहा है। मैं अपने इसको किसी लो से शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ, करना मुझे हाई से ही शॉर्ट है, मैंने यहाँ से इसको शॉर्ट कर दिया। ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी तो मैंने शॉर्ट कर दिया। अभी सर इसके टारगेट की बारी आती है कि टारगेट कहाँ रखेंगे, तो टारगेट मेरा एज इट इज वही था जो मैंने यहाँ पे सोचा था, कि ये इसका स्विंग है जो इसको एक मेजर सपोर्ट देगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास में ये
अभी सर इसको अगर मैं देखूं तो मैंने इसका टारगेट जो है वो इसी कैंडल के लो के पास में लगाने की कोशिश की है। ये वनडे का टाइम पे है, एक ग्रीन कैंडल का लो है, और ये एक्चुअली में ये इसका मेजर सपोर्ट था, पर मैंने टारगेट इस जगह से 74 के आसपास में लगा दिया था। मैं बैठा हुआ था इससे यहाँ पे निकल गया, अगर नहीं बैठा होता सर तो शायद मुझे इसी जगह पे कैंडल ब्रोकर निकालता अपना 3-15 के आसपास में। यही था सर एनालिसिस। थैंक यू सर।